किरदार कर रहे होंगे। बाबूजी मारो मत मुझे। आप उस किरदार को कर रहे हो क्योंकि आप उसको जियो, आप उस भिखारी बने तो भिखारी हो। मैं भी खुद कुछ सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया हूँ तो जानता हूँ इन चीज़ों को। डोंट फील एनीथिंग, यू आर नॉट इन्फीरियर टू एनीथिंग, यू आर नॉट सुपीरियर टू एनीथिंग। जब मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको लेकर के डायरेक्टर और राइटर इकट्ठे डिस्कस करते हैं और कई बार सिर्फ डायरेक्टर ही बताता है इन चीज़ों को। और ये एक चीज़ ऐसी है जब आप बार बार करते रहते हैं ना, वो कहा था करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान रसरी आवत जाते सिलपर परत निशान। मतलब कि आप अभ्यास करते रहेंगे तो इसकी बारीकियां खुद ब खुद आती जाएंगी धीरे धीरे। और जो चीज़ समझाई जा रही है और कभी भी जब पढ़ाया जा रहा हो, कुछ भी बताया जा रहा हो, तो आप उसको संकोच मत कीजिए। एक बार नहीं समझ में आए, 10 बार नहीं समझ में आए, बार बार पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद का भी मंथन चलते रहना चाहिए कि क्लास के बाद भी आप लोग अंदर घर पे जाके सोचें इसके बारे में कि मुझे क्या क्या बताया गया, मैंने अपने ऊपर उतना काम किया नहीं किया। तो इन चीज़ों की बारीकियों को समझते रहिए, जानते रहिए और अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन रिस्पेक्ट देने के साथ साथ अपने अंदर कोई भी हीन भावना मत रखिए। डोंट फील एनीथिंग, यू आर नॉट इन्फीरियर टू एनीथिंग, यू आर नॉट सुपीरियर टू एनीथिंग। कि किरदार कर रहे होंगे बाबूजी, मारो मत मुझे। वो हीन भावना उसे आप दिखा दोगे, कैरेक्टर कर रहे हो, मगर अभिनेता के तौर पर आप यू नो कॉन्फिडेंट हो, आप उस किरदार को कर रहे हो क्योंकि आप उसको जियो, आप उस भिखारी बने तो भिखारी हो, जियो उसको क्योंकि तुम भिखारी हो नहीं, लेकिन जीने का मौका मिल रहा है, जी लो, समझ गए। आप महाराजा हो, महाराजा बनने हो, महाराज बन जाओ 2 मिनट के, मतलब जीना सीखो बस। जीते जाओगे ना जब इन चीज़ों को, ऐसे ही बहुत से किरदार लड़कियों के लिए भी जो होते हैं वो उस पल को जिए। आपने देखा होगा चमेली में करीना कपूर ने वैश्या का रोल प्ले किया था, कितना अच्छा प्ले किया उसने। ऐसे ही बहुत सारे ये भी अभी उसकी भी फिल्म आई थी गंगूबाई, हाँ। लेकिन सवाल क्या है कि अब जैसे आलिया भट्ट हुए या ये लोग, इन लोगों को एक माहौल मिल रहा होता है, 50 लोग ट्रेन करने के लिए मिल रहे होते हैं बहुत सारी। मैं भी खुद कुछ सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया हूँ तो जानता हूँ इन चीज़ों को, कि वो लोग भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं, अनजान कई चीज़ों से, बल्कि आप उनसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हो। क्योंकि कई लोग जीवन में उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें नहीं देखी हैं तो वो तकलीफ़ को पोर्ट्रे क्या करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने तकलीफ़ों को जिया है और खुशियों को भी महसूस किया है वो सारा ग्राफ दे सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं पर अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम सारे रंग जीने का कुदरत ने मौका दिया हमें और हम उसको जी पा रहे हैं तो हम उसको करें। और आत्मविश्वास अपने आप करते करते ज्ञान बढ़ते बढ़ते आ ही जाएगा। जैसा मैंने कहा कि परवाह मत करो सामने कौन है नहीं है, तुम्हारे सिर्फ ये होना चाहिए कि टेक्निकली मेरी प्लेसमेंट जो बताई गई है वो है, कैमरा एंगल जो मुझे बताया गया है वो है, जो लाइट मुझे लेनी पड़ रही है जो मुझे चाहिए, मैं उस जगह पे सही खड़ा हूँ नहीं खड़ा हूँ, और फिर जो है उसका मूड और उसकी इन्वॉल्वमेंट और उसकी डिलीवरी, वो बिल्कुल टाइमिंग उस पर काम कीजिए। एक बार दो बार रिहर्सल लीजिए, सर एक बार रिहर्सल दे रहा हूँ, ज़रा एक रिहर्सल ले लीजिए, एक दो बार रिहर्सल लेंगे, कैमरा रिहर्सल होती हैं, आपका हक है, लीजिए कैमरा रिहर्सल करने के बाद फिर टेक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना आप। और दूसरी चीज़, जब भी आपको कहीं पे भी थोड़ा भी संशय हो पूछिए आप, जो भी सीनियर आदमी वहाँ मौजूद है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं आप उससे बात करें। और अगर ज्ञानी कई बार हमारी फील्ड में ऐसे भी लोग होते हैं जो अहंकार में रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक्टर हो गए ना, ऐसे कुछ तुमने देखा जैसे मुझे कोई भी हो सकता है, तो आपको ना पहले ही आते ही सेट पे ना कॉम्प्लेक्स दे देंगे। अब आपको लग रहा है यार इतना पुराना आदमी है, फेमस है, कहीं
क्या वो तो वाट लगा देगा मेरी, बट आपको अपने किरदार के ऊपर फोकस करना है। आपको मतलब नहीं होना चाहिए वो कौन है क्या है, उस वो अगर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है उसका क्या कैरेक्टर है, आपको सिर्फ उसके कैरेक्टर से लेना देना है। लेकिन इस वक्त वो कैरेक्टर है और आप फलाना कैरेक्टर हैं, आपको कैरेक्टर से कैरेक्टर कम्युनिकेट करना है बस। तो जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे ना, तो कोई आदमी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है। और डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जब देखते हैं कि सामने वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अपनी जगह पे सही कर रही हूँ, उसकी समझ होनी चाहिए पूरी। अगर उसमें थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो तो जैसे मैंने कहा कि सीनियर लोगों से, किसी से जिनसे आपकी बनती है या फिर डायरेक्टर हैं जो भी हैं, उनसे पूछिए आप, तो वो आपको एग्जैक्ट अवेयरनेस देंगे। आप उसकी उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप बनाइए, है ना।